कि आप अपने वजूद की, आप अपने हक की और भारत में रहने के वो समता के अधिकार के हकूक के लिए आप लोग आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा आने वाली नस्ल आपकी इस लड़ाई को और इस सभा में शामिल होने को याद रखेगी। मैं बस एक नज्म पर ये गाने के लिए ये रेहान साहब को दावत दूंगा, बस चंद नज्म चंद मिनट में वो अपनी वो नज्म खत्म करेंगे। उसके बाद एमआर हक साहब हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और आप नेता हैं। मौजूद सामिन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। काफ़ी देर से हम सभी लोग यहाँ पे हाजिर हैं। एनआरसी और एनपीआर और सीएए के खिलाफ में और हमारे काफ़ी दूर दूर से मेहमान भी आए, आप और हमारे दरमियान अपनी बातों को रखें और वो बात सिर्फ उन्हीं की नहीं थी बल्कि हम सब की थी। इसीलिए कि एनआरसी एनपीआर और सीएए सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं है बल्कि सब के लिए है। हम लोगों ने जो मेहनत की, घर घर जाकर दावत दी और ऐलान भी करवाया, लेकिन लोग काफ़ी अभी भी गफलत में हैं। लेकिन अब हमें गफलत में रहने की ज़रूरत नहीं है बल्कि हमें जागने की ज़रूरत है और हमें ऐसे मौके से ऐसे जनसभा में शरीक होने की ज़रूरत है। मैं नज्म के कुछ शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा। कि मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो, कि मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो, जब तक रब न चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो, और मेरी सांसों में जलती बारूद बनकर भड़क सकते हो, लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान नहीं ले सकते हो, लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान नहीं ले सकते हो। नज्म के दो तीन शेर आप तक पहुंचा रहा हूं। जिससे कमजोर हुआ हो ये भारत मेरा, जिससे कमजोर हुआ हो ये भारत मेरा, जिससे आती हो साजिश की कोई हवा, हिंदू मुस्लिम को जो देश में बांट दे, प्यार की डोर, प्यार की डोर को जो कोपल में काट दे, ऐसे मजमून को ऐसे कानून को हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, ऐसे मजमून को काले कानून को हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। और आगे बंद देखेंगे। गांधी के देश के सब सिकंदर सुने, आज के दौर के सारे हिटलर सुने, ये शहीद वफा की है सब मेहरबानिया, सबने दी है यहाँ पे, सबने दी है यहाँ मिल के कुर्बानिया, सिर्फ तेरा न है ये चमन बन सका है, अब इसे मैं खून सब का शामिल, वतन सब का है, जिससे बर्बाद हो जाए अपना चमन, जिससे टुकड़ों में बट जाए फिर ये वतन, ऐसे मजमून को काले कानून को हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। शुक्रिया। ऐसे मजमून को काले कानून को हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। और ये आखिरी बार मुलाहिज़ा फरमाए। ऐ वतन के वफादार वालों सुनो,
ऐ वतन के वफादार वालों सुनो, गांधी बिस्मिल सा किरदार वालों सुनो, ख्वाब गफलत में सोने वालों उठो, देश के मेरे नौजवानों उठो, अब न जागे तो किस रोज जागोगे तुम, अपना हक बोल अपना हक बोल, किस रोज मांगोगे तुम, ऐसे मजमून को ऐसे कानून को हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, ऐसे मजमून को काले कानून को हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। लहरों से लड़ा करता हूँ दरिया में उतर कर, लहरों से लड़ा करता हूँ दरिया में उतर कर, साहिल पे खड़ा होके मैं साजिश नहीं करता, लहरों से लड़ा करता हूँ दरिया में उतर कर, साहिल पे खड़ा होके मैं साजिश नहीं करता, वो जिसमें पसीने की महक आती नहीं है, वो खून मेरे जिस्म में गर्दिश नहीं करता, वो खून मेरे जिस्म में गर्दिश नहीं करता। अब हम लोग एक नारा लगाएंगे जिसमें सभी लोग नारे का जवाब देंगे, इसलिए कि हम लोग NRC, NPR और CAA के खिलाफ में हम लोग इकट्ठा हुए हैं, और अपनी जिंदा दिली का सबूत दें कि हम इस चीज को नहीं मानते, हम इस चीज को नहीं मानते, तो आप आजादी बोलेंगे, हम नारा बोलेंगे और आप आजादी बोलेंगे। NRC से आजादी, NRC से आजादी, NPR से आजादी, NPR से आजादी, CAA से आजादी, CAA से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, संघवाद से आजादी, संघवाद से आजादी, बीजेपी से आजादी, बीजेपी से आजादी, नीतीश कुमार से आजादी, नीतीश कुमार से आजादी, इनकलाब इनकलाब, हमारा भारत महान है, हमारा भारत महान है, हमारा भारत महान है।